एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:30। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आध्या अभी बस सो के उठी है और अब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। सो मैंने इसका मुंह धुला दिया है और हाथ वगैरह धुला दिए हैं और ब्रश भी करा दिया है। देन अभी मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि सेवैयाँ बना लूँ क्योंकि कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा है। और केवल आध्या ही नहीं सो के उठी है, मैं भी अभी सो के उठी। मेरी आंखों से पता लग रहा होगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कहाँ आध्या? ओके ओके। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी जो है, स्कूल जाने का जो टाइमिंग है चेंज हो गई है। वो 6:30 बजे निकल जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है, 5:30 बजे करीब। सो इस वजह से जल्दी उठी और उनको चाय नाश्ता दिया और घर में झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ उसी टाइम जब मैं उठती हूँ। मेरी आदत है सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी, उसके बाद मैं और कुछ काम करूंगी। मैं भी नहाने जाऊंगी, ठीक है? हाँ, आप भी नहाने जाना। और फिर उनको नाश्ता दिया और वो 6:30 बजे चले गए। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज जल्दी जग गई हूँ, अब थोड़ा सा रूटीन चेंज हो रहा है तो आज बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन इतनी जोर नींद आई मुझको, इतनी जोर नींद आई कि आध्या सो ही रही थी और मैं भी आध्या के पास जाकर लेट गई और मेरी भी आंख लग गई और मैं और आध्या दोनों लोग सोते ही रहे। वैसे तो आध्या जग जाती है बहुत जल्दी, लेकिन जब मैं पास में आके लेट गई तो इस वजह से आध्या नहीं उठी। और 9 बजे हम दोनों लोग उठे और फिर आध्या को मैंने थोड़ा सा मुंह हाथ धुलाकर बिठाया है और दूध मांग रही है, तो मैंने इसको दूध भी दे दिया था, दूध भी पी लिया है। और अभी चलते हैं किचन में और किचन में मैं बनाने वाली हूँ वेमसली। और ये रोस्टेड वेमसली है जो मैं एक बार बहुत पहले लाई थी, मतलब नेक्स्ट मंथ वाले में लाई थी। वो पैकेट, छोटा पैकेट लेके आई थी, लेकिन उसको भी मैंने एक भी बार बनाया नहीं है और ये रोस्टेड वाली मैंने एक भी बार नहीं बनाई है। सो इस बार ये रोस्टेड वाली जो वेमसली है, नमकीन सेवैयाँ बनाऊंगी मैं, और वो भी कुकर में बनाने की कोशिश करूंगी। शायद कुकर में बनाने से ये कैसी बनती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। खांसी आ रही, खांसी आ गई, सही हो जाओ मेरा बच्चा। क्या करते हो मम्मा को आप मुझको बाबू? अच्छा सबको बता दो ना, आप मम्मा की कौन हो? जान। मेरी आध्या मम्मा की जान है, ठीक है? चलो बाबू आप यहीं बैठोगे, मैं किचन में जाके बना के लाऊं। क्या? मैं नाश्ता बना के लाऊं। अच्छा सा यम्मी सा, कौन खाएगा? आध्या। ओके। क्या खाएगी? सिवैया। सिवैया। हाँ बैठो, यहाँ बैठो।
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल को चढ़ा दिया है, अरहर की दाल को हल्दी और नमक डालकर, और इसमें पानी ऐड कर दिया है, तो ये इधर हो रही है। और इस वाले भगोने में मैंने हाफ भगोना पानी भरा है और इसको ढक कर उबाल लगा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे चावल बनाने हैं वो पानी निथार के जो बनाए जाते हैं चावल, मतलब आप पानी एक्स्ट्रा रखिए, आप चावल जितने भी हो आप पानी एक्स्ट्रा रखिए, उससे अप रखिए बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा उसमें हम ये चावल जो है भिगो के रखे हैं इनको अच्छे से साफ करके पानी हटाकर ये चावल उसमें डालने हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और देन फिर इसको ढककर पकाएंगे। बार बार चेक करके देखेंगे चावल हाफ से भी ज्यादा कुक हो जाए, जब चावल हाफ से भी ज्यादा कुक हो जाएगा तब हमको गैस को बंद करना है और चावल को पानी से निकालना है। तो उसके बाद जो पानी हट जाएगा, चावल चावल जो बचेगा वो चावल में देसी घी मिला देंगे, देन हमारा खिला खिला सा बिना माड़ वाला चावल, से विदाउट माड़ वाला चावल बोलते हैं, इसमें कोई माड़ नहीं होता, वो सब निकल जाता है, ये वो चावल बोलते हैं। तो ये बिना माड़ वाला चावल बनके तैयार हो जाएगा। गाइज, ये चावल बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाले चावल। और मैंने सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास बैगन भी रखे हैं, शिमला मिर्च भी रखी है, लेकिन पता नहीं कि वो खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है और ना ही ज्यादा बस बनाने का कुछ मन कर रहा है, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है, आद्या को भी थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं है, काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो आज मैंने सोचा था कि बैगन बनाऊंगी, लेकिन मैंने आज फिर नहीं बनाया, किसी दिन और बनाऊंगी, कल बना दूंगी। तो मैंने फोन किया, पूछा कि साथिया क्या खाना है, क्या बनाऊं, तो बोले कि आज तो दाल और चावल खाने का मन कर रहा है, लेकिन चावल जो है वो विदाउट माड़ वाले खाने का मन कर रहा है। सो मैंने आज विदाउट माड़ वाले चावल बनाने जा रही हूँ, तो चलिए उसकी सारी प्रोसेसिंग आपके साथ शेयर करूंगी अभी, तो आप भी देख लीजिएगा और अच्छे लगे तो जरूर बनाना, एक बार ट्राई करना, और जो जो लोग बनाते हैं वो मुझे जरूर लिख के बताना। कर लेते हैं सब, और तब जब तक दाल होती है ये खोलता है तब तक मैं चॉप कर लेती हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्ची दाल को तड़का देने के लिए। और 11:30 या 12 बजे तक हस्बैंड मेरे आ जाएंगे, देखती हूँ, आज पहला दिन है जो जल्दी गए हैं ये, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। सो साथ बैठकर खाना भी खाएंगे, और सिमैया गाइस बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो गाइस यहाँ दाल है वो बन चुकी है, सीटीज में आ चुकी है, और ये पानी भी खोल रहा है, तो ये देखिए पानी भी बहुत तेज खोल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ये चावल जो मैंने धो दिए हैं, फूल चुके हैं, साफ सुथरे चावल हैं, अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड, मैंने इसमें ये सारे चावल हैं वो मिला दिए हैं, इसको ऐसे चला देंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसको मिला देंगे, और अब इसको पकने देंगे जब तक ये हाफ से भी ज्यादा कुक ना हो जाए।
अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। ये दाल भी बन के तैयार है, तड़का भी दे दिया है इसमें, और रोटी भी बन के तैयार है रख दिया है मैंने, और यहाँ पे चावल है वो भी अच्छे से बन के तैयार है। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़े से चावल कैसे बने हैं, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुरेश जी देखिए कितना खिले खिले एकदम अलग अलग एक एक चावल है ना। तो ये चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और इसमें कोई भी माड़ वगैरह नहीं होता है, वो सब निकल चुका है। तो ये बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार हुए हैं, और अब बस ये सारा काम हो गया है, अब बस बर्तन धुलने पड़े हैं, बस वो धुलूंगी, और हस्बैंड थोड़ी देर में आने वाले हैं और साथ में बैठकर खाना खाएंगे। वाटरमेलन भी रखा हुआ है, वाटरमेलन गर्मी के सीजन में जरूर लें सभी लोग, उसमें बहुत सारा वाटर होता है और आपके शरीर में पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो ज्यादा से ज्यादा वाटरमेलन लें, और मैं तो हमेशा वाटरमेलन लेके आती हूँ मार्केट से और खाती भी हूँ। और मेरी जो फैमिली है आद्या हस्बैंड मेरे, हम तब लोग मिलकर खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये सारा काम हो जाने के बाद अब चलते हैं। आद्या देखो क्या कर रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। आद्या क्या कर रहे हो? ओह कार्टून देखा जा रहा है, कार्टून। और काम करते करते साथ में मैंने आद्या को नहला भी दिया था। आद्या क्या हो गया देखी ना, मेरा बच्चा बड़ा शांत शांत रहने लगा है मेरा बेटा, क्यों है ना इधर खड़े हो जाएगा। फैन बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, आवाज उठती है इसकी वजह से आवाज अब तक नहीं पहुंचती है। आद्या अभी डैडी आने वाले, ठीक है? अब हम लोग आप इन लोगों से बाय करें, फ्रेंड से बाय करें, नहीं करोगे क्यों? नाराज हो क्या? नाराज हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छे बच्चे हंस रहे, हंस रहे, हंसा हंसा मेरा गुड़िया हंसी, मेरी गुड़िया हंसी है ना। ओके फ्रेंड, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आद्या जरूर बोलेगी, मुझे मालूम था आद्या बोलेगी, है ना। ओके बाय।